वाला थम्स अप कुछ है क्या? हेलो कैमरा में देखो ना जयेश, थोड़ा पिक में थोड़ा ऐसे पीछे कर लो, अभी ये वाला लुक, ये वाला यस चलाएंगे, इधर लुक पे चलाते रहो। आप एक मिनट तुम यहीं खड़े रहो, आप एक मिनट। यस अच्छा दो चाहिए यहाँ पे कैमरा सेंटर में लगाइए, ठीक है? यस मुझे जैस का फोन और दूसरा लगाइए, दूसरा लगाइए मेरा पी अंकल लगा दिए, जैसे इधर बेटा इस तरफ especially in this
आप देख रहे हैं इवोक किड्स जोन, आई एम जयेश, आप देख रहे हैं इवोक किड्स जोन, या रोलिंग। हाय, माय नेम इज कुमार, आप देख रहे हैं इवोक किड्स जोन। एक बार आगे आगे यहाँ जोन, हाँ या रोल, या। हाय, मेरा नाम है जयेश कुमार और आप देख रहे हैं इवोक दोबारा सुनिए से, हाँ इवोक किड्स जोन, हाँ या रोल। हाय, मेरा नाम है जयेश कुमार और आप देखने वाले हैं व्लॉग इवोक किड्स जोन, हाँ कंटिन्यू, हाँ लास्ट, हाँ। हाय, मेरा नाम है जयेश कुमार और आप देखने वाले हैं इवोक किड्स जोन। थैंक यू बेटा, प्लीज मीट नजदीक में जाओ, मुझे बर्थडे पे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और मैं बहुत शुक्रिया यहाँ पे। आज आपकी एक एल्बम भी आ रही है, कौन सी एल्बम है जो लॉन्च है आज? जब मेरा एल्बम आता है तब तक मैं सुनता हूँ। कौन सी है? 6 बज गए हैं क्या? 6 बज गए सुबह की, जो कि मैं ना लैपटॉप पे देखता था। हाँ, ये लो बता के ऐसे करे, हाँ। तो उसमें गाना है, गुनगुनाएंगे कौन सा गाना है इसमें? 6 बज गए हैं, 6 बज गए सुबह की गाने पे मैं गा रहा था और मैं मम्मी ने नया रिपेयर किया था, पापा ने रिपेयर किया था और तरुण गुप्ता और वैभव बजाज ने और अवतार भी और रिकॉर्डिंग ने हमको विवेक भैया ने किया। कब से आप सारेगा क्या क्या कर रहे हैं अभी? सारेगा पापा पे हमको मन लगता है। सब कॉर्ड सीखे हमने, स्केल सीखे और हमको कॉर्ड्स भी सीखने बहुत मन था। थैंक यू। सबसे ज्यादा किसने सिखाया आपको, मम्मी ने, पापा ने, आपके गुरु कौन है? मेरा गुरु, मेरा गुरु जो मेरे कोलकाता पे, मैं कोलकाता पे कौन सीखते हैं मेरे गुरु, गुरुजी कोलकाता पे, मेरे गुरुजी कौन कोलकाता पे कहते हैं आपको पता है? जैन सर का सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं, वो चरागो। कौन सा गाना है आपका सबसे फेवरेट? खड़े हिलो बताओ। मेरा आंधी है फिल्म और मुझे और मैं उसको गाने डेडिकेट करते थे। तुम आ गए हो सलमान से, जो कि वो बोलते हैं मुझे गले लग जा, जो कि वो स्टाइल से बोलते हैं। कौन सा स्टाइल है उसका? जो मैं देखता हूँ टाइगर जिंदा है दबंग। डायलॉग सुनाओ, कौन सा डायलॉग है? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं उसके बाद भी आपके बिना सुनता।
और ये वांटेड फिल्म था और दबंग टू पे बोला हम तुमको इतनी छेद करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे सांस कहां से लूं और पादू कहां से। कोई फिल्मी अदालत अदालत कभी कभी इसके से आगे कुछ न कुछ न कुछ इसके से बेहतर कुछ न कुछ न कुछ इसके से ऊपर कुछ न कुछ न कुछ इसके बिना हम कुछ नहीं इसके से ऊंचा कुछ न कुछ न कुछ इसके से बढ़कर कुछ न कुछ न कुछ इसके से अच्छा कुछ न कुछ न कुछ इसके बिना हम कुछ नहीं चाहे तो आए लेकिन दिल में इसकी बातें सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। मैं स्नेहदी आने वाले राम शंकर सर आने वाले और नीरज सर और कादिर मुस्तफा अली खान इधर देखो दिल्ली रहते हैं आप दिल्ली कहाँ पे दिल्ली कब पड़ेगी ओ पांच अभी बॉम्बे कब करेंगे फिर बोलना पहले ले हाँ ऐसे ही बाइट करूँगा मैं यहाँ पे इनकी बात करने का अंदाज अच्छा मेरी फेसबुक में फोटो भी अभी तक इनके साथ ही है। ये काफी अच्छे अच्छे गाने गाते हैं इनका कौन सा आपका जो काफी दिल के करीब आपके जो आप इनसे लगते हैं सुनना चाहेंगे। मैं क्या कहूँ इस बच्चे के बारे में ये कुछ भी गा सकता है। कौन सा गाना सुनाएंगे मतलब अगर किशोर कुमार का गाना कोई दूसरा याद कर रहा है सागर फिल्म का गाना तो ये वो भी गा देते थे। कौन सा था चेहरा ये जवानी है दीवानी ये जवानी है दीवानी ये जवानी देखिए क्या होता है बहुत सारी बातें ये सच में एक ईश्वर की शक्ति है कुछ अलग बात है इस बच्चे में और ये बहुत आगे मतलब इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। सर बच्चे देखते हैं लेकिन ये कुछ अलग ही है ये बच्चा सच में बहुत अलग है क्योंकि इसका म्यूजिकल सोच इसका सोचने का तरीका एकदम फट से पकड़ लेता कोई भी चीज़ को। इसको इतने सारे श्लोक याद हैं जो शायद हमको भी याद नहीं हो। इनको गणपति के श्लोक याद है वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकायसु सर्वदा प्रणाम गणेश। तो इसके संस्कार बहुत मतलब और बच्चों से अलग है ये माता की भी इनको ऐसे अलग अलग बहुत सारे मंत्र याद है और सारी चीज़ें हैं और हम तो इनसे खुद आशीर्वाद लेते थे कि यार गणेश आप भगवान हो हेमेश जी जितने भी वहाँ पर लोग थे छोटे भगवान हमारे आपको छोटे भगवान बोलता तो कैसा लगता है आपको। तो इमेज सब बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। छोटे भगवान क्यों बोलते हैं आपको इसलिए हमको इमेज सर बोलते हैं। अब ये तो इस बात का जवाब नहीं दे सकेगा खुद इसको पता नहीं कि इसमें क्या पावर है। थैंक यू आईडी देना अब राजा जी सामने फेस करो मत ले जस बेटा सर Happy birthday to you, Jayas. Happy birthday to you, Jayas. Happy birthday to you, Jayas. Happy birthday to you. Happy birthday to me.
Yes. Happy birthday to me. To Jayas Kumar. Happy birthday. Ah, not bad, not bad. Very good. जयेश कुमार का आज जन्मदिन है, सेवन्थ बर्थडे। हम लोग लास्ट बर्थडे उनका हमने मनाया था अपने सेट पे लिटिल चैंप में, जैसा कि सब पूरी दुनिया जानती है उनको छोटे भगवान के नाम से। हम सब लोग उनको प्यार करते थे और उनके म्यूज़िक को, उनके गानों को हमने बहुत इन्जॉय किया सेट पे। हमने क्या, पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आज मैं, मेरी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो इसी तरह संगीत में अपना बहुत सारा नाम करें और बहुत तरक्की करें, यही मेरी विश है उनके लिए, यही मेरी दुआ। टैलेंट की बात करें, छोटा सा बच्चा है जिसको छोटे भगवान कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे? यही छोटे भगवान, मतलब देखो ये जो इस तरह की चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स है, ये जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, ये आम इंसानों में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ जिस पे ऊपर वाला बख्शिश करे, जिस पे ऊपर वाले की खास नज़र हो, इसीलिए उसे गॉड गिफ्ट कहा जाता है। तो ही इज़ ए ब्लेस्ड चाइल्ड जयेश कुमार, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बहुत बड़ा कलाकार बनेगा बड़ा होके। मेरा नाम सुधाकर शर्मा है और मैं फिल्मों में गीत लिखता हूँ। शायद आपने मेरे गीत सुने होंगे। मेरा पहला हिट गाना था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक था और सलमान खान उसके हीरो थे, काजोल हीरोइन थी। उसी में एक गाना था तुम पे हम अटके यारा दिल भी मारे झटके। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मेरा गाना आया सरकी जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। थर्ड ईयर मेरा गाना आया बन्नो तेरी चुनरी लाखों की। तो ऐसा करके मुझे चुनरी पे जो हैट्रिक हिट मिली, मुझे लगा कि चुनरी मेरे लिए सुपर हिट है। चुनरी का और सुधाकर का क्या रिश्ता है? कुछ तो है क्या? देखिए, चुनरी का और मेरा रिश्ता जो है ना, वो ऐसा है कि बचपन में हम लोग गांव के रहने वाले हैं, तो मेरी माँ जो है ना, वो अपने जब कपड़े सुखाती थी तो बोलती थी मेरी चुनरी का ध्यान रखना, बंदर ना ले जाए। तो और इतने कपड़े होते थे लेकिन वो चुनरी का विशेष ध्यान रखती थी, क्योंकि वो चुनरी उस ज़माने में और आज भी एक ऐसा एक ओढ़नी है जो बड़े प्यार से चढ़ावे में चढ़ाई जाती है। उस ज़माने में सोने के तार लगे होते थे, आज तो प्लास्टिक के हो गए, और उसको हर औरत बहुत संभाल के रखती है हमारे हरियाणा में। और बड़े तीज त्यौहार जब भी आते हैं या ब्याह शादी होती है, तो किसी भी कलर का कोई भी हो लेकिन वो चुनरी ज़रूर ओढ़ती है। तो मानते हैं अपने आप की सलमान की फिल्मों में आपके गाने हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी सोचा था आपने? हाँ, मैंने सोचा था। अगर सोचा ना होता तो मैं यहाँ तक आता ना, लेकिन इतना हिट हो जाऊँगा ये नहीं सोचा था। मैं जब कभी अपने खेतों में गाने सुनता था रेडियो के ऊपर, तो अपने आप ही कमेंट्री करता था कि लीजिए अब आप सुनिए सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हो, रफ़ी मोहम्मद रफ़ी लता मंगेशकर का गाना, और खुद ही गाना शुरू कर देता था। तो शौक तो बचपन से। ये मेरा एक गांव मांदकोल है पलवल के पास, जो दिल्ली से करीब 1.5 घंटे का रास्ता है, 60-70 किलोमीटर। बॉलीवुड में क्या दिया? बहुत कुछ दिया। मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड ने मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे दिया, मान सम्मान दिया। 550 फिल्मों में मैंने गीत लिखे, तकरीबन 3,500 गाने मेरे रिलीज़ हैं। और मैं जब बॉम्बे आया था, मेरे पास 140 रुपये और एक बक्सा था। आज मेरे पास रहने को घर, चलने को गाड़ी, मेरे बच्चे स्टैब्लिश्ड हैं, मैं स्टैब्लिश्ड हूँ। और मैं चाहूँगा कि जब कभी भी जन्म हो, अगर हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार पुनर्जन्म है, तो मैं इस गीतकार ही बनूँ और फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करूँ। सिंपल रहते हैं सुधाकर जी, किसी एंगल से भी लगते हैं सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े सिंगर हैं, सलमान के गाने गाए हैं? नहीं, मैंने लिखे हैं गाने, और मामू मतलब सेलिब्रिटी और आम आदमी का फ़र्क, हम जैसे अगर कलाकार इस बात में आ गए कि हम सेलिब्रिटी हैं, तो हम ज़माने से कट जाएंगे, और अगर ज़माने से कट गए तो हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, अच्छे गीत नहीं लिख पाएंगे, चारों तरफ बाउंड्री आ जाएगी, फिर हम भी ऐसे ही गीत लिखेंगे जो आज 3 महीने चलते हैं और बंद हो जाते हैं। मैं चाहता हूं हम ऐसे गीत लिखें कि जब हम नहीं रहें तो भी हमारा नाम लेके
गीत का नाम लेके लोग हमको याद करें। बर्थडे पे क्या कहना चाहिए बच्चे के बर्थडे पे? बच्चा बहुत होनहार है और ये हमारे लिए छोटा भगवान है। सारे गामा में जब हम लोग इससे मिले तो बहुत ही ऐसा लगा कि वाकई में ये भगवान के रूप में छोटा कन्हैया छोटा राम ये जो कुछ करता है जो हरकत करता है जो गाना गाता है बहुत अच्छा लगता है। और मेरी दुआ है कि ये बहुत बड़ा फनकार बने और मैं चाहूँगा कि एक दिन इसके लिए भी एक चुनरिया लिखूँ और इसको गवाऊँ। थैंक यू। अटेंशन प्लीज, नाउ शाम शो के केटी सेरेमनी में चाहूंगा कि सब लोग अपने अपनी जगह पे बैठ जाए ताकि हम लोग इवेंट स्टार्ट कर सके। टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि आज हमारे प्यारे से छोटे भगवान यानी कि जयेश कुमार आज 7 साल के होने वाले हैं और बहुत सी मस्ती बहुत सी धमाल यहाँ पे होने वाली है। सो ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सिट डाउन, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सिट डाउन, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल फर्स्ट, ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सिट डाउन, all of you guys please sit down। शाहरुख खान की आवाज सुननी है। Yes, look center. Yes. Yeah. Oh, yes. Okay, सारे सिंगर एक ही तरफ आ जाए प्लीज, सारे सिंगर आ जाए प्लीज। अर्पिता का join us. Oh, please. ओके, सो आज हमारे लिए काफी खूबसूरत दिन है, खूबसूरत पल है। हमारे मिरेकल बॉय यानी कि छोटे भगवान आज 7 साल के होने वाले हैं और ढेर सारी मस्ती ढेर सारी धमाल यहाँ पे होने वाली है। सारे सिंगर प्लीज, अर्पिता मैम वेयर आर यू, अर्पिता मैम या वेयर आर यू प्लीज कम हियर। ओके, सो रेडी गाइस, नाउ सैंचो केक कटिंग सेरेमनी, सो रेडी रेडी फॉर काउंटडाउन, स्टैंड बाय, आदि सर रेडी, ओके सो रेडी फॉर काउंटडाउन, स्टैंड बाय, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and here we go.2000 साल के दिनों मजा जगा, यू हंसते रहो खिलते रहो गुनगुनाते रहो।
ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद हमारी सारे गम की सारी टीम जयस को एक छोटा सा सरप्राइज देने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि हर कोई दो दो लाइन जयस के लिए गाए, दो दो लाइन क्यों है सब सबसे पहले बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे Happy birthday to you. Chal bad gaye subah ki bad gaye ghante unki. एक सरप्राइज यहाँ पे और भी है और भी यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। मैं चाहूंगा कि सेकंड केक को लाए जाए प्लीज। या प्लीज 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 सरप्राइज बर्थडे भाई चार बड़ा दिया एंड हियर वी गो आज मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और सेंटर का ये सेंटर थोड़ी है आज मेरे प्रिय मित्र मेरे प्यारे बच्चे जयस कुमार का जन्मदिन है एंड मैं जेन्युइनली मुझे उससे प्यार हो गया है एंड वी हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। शो के बाद भी वो मुझे व्हाट्सएप करता रहता है यू नो अपने वीडियोस भेजता रहता है अपने गाने भेजता रहता है एंड मैं आई रियली केयर फॉर हिम। एक बड़े भाई की तरह मैं उसकी बहुत केयर करता हूँ और आज उसका जन्मदिन है। छोटा छोटा बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, उसके दांत वात टूट रहे हैं, थोड़ा लंबा हो रहा है। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड विशिंग जयस ऑल द वेरी बेस्ट। जी बिल्कुल, मुझे मेरा बचपन याद आया और जयस को देखकर इनफैक्ट मुझे बहुत पहले से मेरे बचपन की याद आती थी क्योंकि यू नो जयस इज़ वेरी यूनिक और मैं भी उन बच्चों में से था जो यू नो आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ द क्राउड, आई यूज़ ऑलवेज स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। तो यू नो जयस को जब मैं स्टेज पे देखता हूँ गाते हुए या परफॉर्म करते हुए ही वेरी मच रिमाइंड्स मी ऑफ मी। लेकिन ये थोड़ा शरीफ है, मैं थोड़ा बदमाश था बचपन में। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन द पाइपलाइन एंड यू नो आई साइंड ऑन अ कपल ऑफ टेलीविजन शोज जिसके बारे में आपको अगले एक दो महीने में पता चल जाएगा बिकॉज देर इज अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर वी स्टार्ट शूटिंग, तब तक हमारे लाइव शोज चल रहे हैं।
अब इतनी पुरानी पर बच्चे का बर्थडे है यार, लेट्स जस्ट सुजीत सरकार जी इज अ ग्रेट डायरेक्टर, ही मेक्स वंडरफुल फिल्म्स एंड यू नो आई रियली रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिम एंड एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू देयर ओन ओपिनियन. Okay, Aditya, why everything you're doing on small screen, are you not interested in doing a big screen? Sir, slow and steady, sir. Slow and steady. You know, जिंदगी बहुत लंबी है सर, और यही है कि आई एम हेयर नॉट फॉर 3 years और 5 years, मैं यहाँ जिंदगी भर के लिए हूँ. तो मुझे मेरे रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने हैं सर. बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, काम मिल रहा है, मेरे लिए बहुत है, I'm lucky. Okay, Aditya, the last one, you know, जी सर. Doing a lead, would you be interested doing a big मुझे लगता है कि अभी अभी मैं शुरू हो रहा हूँ, तो एनी थिंग एंड एवरी थिंग, कुछ भी अच्छा इंटरेस्टिंग काम मुझे ऑफर होता है. इनफैक्ट एवरी हियर एंड देयर मुझे बहुत सारी कास्टिंग एजेंसीज के कॉल्स आते रहते हैं, यू नो, फॉर रोल्स हियर एंड देयर. मैं ऑडिशन भी करता हूँ, कुछ वर्कआउट भी करते हैं, बट बिकॉज ऑफ you know television dates and shows wo nahi work out ho pate hain, but you know the option is always open. Any director you love to work with? All of them sir, they're all brilliant. Of course my guruji Sanjay Leela Bhansali sir, it would be a dream for anybody. Aapne Padmavat dekhi hai? Yes, unbelievable, he's a master, he's a genius. Okay, you want to work with Sanjay Leela Bhansali? Definitely sir, definitely. I have already had the opportunity to be his assistant director, aur unki film mein mujhe do bahut khoobsurat gaane bhi mile. और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की दुआ रही, हमारा हार्ड वर्क रहा, तो आगे काम करेंगे. ओके, जेएस के लिए अगर दो लाइनें गुनगुनाना चाहें तो क्या दिखते गुनगुनाएंगे? क्या गुनगुनाएंगे जेएस के लिए? जेएस का ही गाना गुनगुनाएंगे जिनकी ऑडिशंस में बहुत अच्छा गाया था उन्होंने. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना. अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया. चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ. बेल पहले नमस्कार. सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगा. मैं राम शंकर, गायक संगीतकार, और आज मैं आया हूं हमारे सबके प्यारे जयेश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर, जो हमारे सारे गमापा लिटिल चैम्प्स की जान था और जान है जयेश कुमार, और उसके जन्मदिन के मौके पर आज वो 7 साल का हो गया है. तो हम उसे सब शुभकामनाएं देने, अपना आशीर्वाद देने यहाँ पर सारे जूरी मेंबर्स, जजेज और चैनल से जुड़े हुए लोग, सभी लोग आए हैं. आपके बच्चे भी हैं इस फील्ड में, हैं गाना गाती है आपकी बेटियाँ, और ये बच्चे किस नज़र से देखते हैं आप, क्या लगता है आपको? मेरी छोटी बेटी स्नेहा शंकर बहुत अच्छा गाती है, वो भी कई रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुकी है, और वो एक एशिया सिंगिंग सुपरस्टार की विनर भी रह चुकी है. तो आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और उस टैलेंट को, उस कला को लोगों को, माँ बाप को निखारना चाहिए और आगे लाना चाहिए. थैंक यू. बर्थडे में पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे सबसे छोटे लिटिल स्टार के बारे में? भाई हमारा लिटिल स्टार ऑलरेडी स्टार है, और मैं बहुत खुश हूँ. आज उसका जन्मदिन है, 7वां जन्मदिन है, और आज ही उसका गाना भी रिलीज़ हुआ है. तो मैं उसको विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे, और बढ़ता रहे, इसी तरह से गाता रहे, बस यही मेरी उसके लिए दिल से दुआ है. टैलेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसके? आई थिंक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है. सबसे बड़ी बात है कि इस उम्र में कई चीज़ें जो उसके अंदर है, जैसे कि स्केल पहचानना या इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत रेयर लोगों में होती हैं. तो एक नेचुरल गिफ्ट है उसके अंदर, और ये और जब वो सीखेगा जो कि वो एक्चुअली कर रहा है, सीख रहा है, तो ये और टैलेंट उसका निखरेगा और वो और बेहतर गाएगा विद टाइम. थैंक यू.